पेंसिल के निचली पैसे हार्दिक और नंदन पर भीनी भीनी खुशबू में लिपटी हुई प्रकृति भी मुस्कुरा रही है, मानो अपनी सारी छटाएं बिखेर दो। फाल्गुन में होने वाला हमारा वार्षिक उत्सव का यह समारोह ऋतुराज बसंत के आगमन से हमें एक उठरसी चेतना का संचार कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, ज्ञान भारती परिवार अपने कार्यक्रम का हर वर्ष कुछ विषय वस्तु तय करता है। नैतिकता के घटने के कारण हम पढ़ते तो खूब हैं, हमारे रैंक्स तो बड़े अच्छे आते हैं, पर अगर हम कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो हमारा जो रैंकिंग का परसेंटेज है घट करके सीधा नीचे चला आता है, जिसका एक सीधा कारण है कि हम अपने जो पिछली पीढ़ी है उससे दूर होते जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? आज हर धर्म का यह ABCD है, ईश्वर अल्लाह भगवान के बाद अगर किसी स्थान का हो, किसी का स्थान होता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे माता पिता का। फिर भी आज हमारे संस्कार
asks our kids. ऐसे ही प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहे और हमारा सम्यक विकास होता है। मेरा यह माननीय अतिथिगण से आग्रह होगा कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। I should like to also and welcome our chief guest of today's program to inaugurate. मैं काका जी से आग्रह करूंगा कि वे हमारे बीच आए और हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें आशीर्वचन दें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर एम बी सरन जी, हमारे विशिष्ट अतिथिगण श्री राजेंद्र सिन्हा जी, श्री विमल कुमार परिमल, श्रीमती सविता सरन, श्री राम प्रवेश सिंह जी, श्री मिथिलेश कुमार सिंह जी, श्री राम विनय बाबू, श्री अभेश बाबू और मित्रवर श्री आनंद कुमार जी, मैं आप सबों का इस विद्यालय परिसर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। हमारे बच्चे आपको अपने बीच पाकर आह्लादित हैं। यह हालात आप सब बार बार आए ऐसी मेरी कामना है। मैं आप सब उनका स्वागत करता हूं। आप हमारे बच्चों को आशीर्वचन दें, हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहें, हमारे विद्यालय का नाम रोशन करते रहें। आपके आशीर्वचन के